नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टेट के बारे में जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज को रोड ट्रांसपोर्ट सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत उनके ट्रांसपोर्टेशन में लगने वाली जो कॉस्ट है उसके लिए 50% तक की सब्सिडी प्रदान कर रही है। देखिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को, यदि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी महाराष्ट्र से दूसरे राज्य में प्याज, टमाटर, अनार, अंगूर, केले, आम इनको सप्लाई करती है, तो उस स्थिति में जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र मंडी बोर्ड है, उसके द्वारा 50% तक की जो सब्सिडी है जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे एफपीओ को रिटर्न प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो महाराष्ट्र स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की यह स्कीम है। अब आगे हम बात करते हैं, यह स्कीम जो है 31 मार्च 2023 तक लागू है। इस स्कीम के अंतर्गत एक स्टेट से दूसरे स्टेट में यदि कोई फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो है ये जो प्रोडक्ट है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है इनकी सप्लाई करती है दूसरे स्टेट में, तो उस स्थिति में वह इस स्कीम के अंतर्गत सब्सिडी प्राप्त करने के लिए एलिजिबल रहेगी। देखिए, महाराष्ट्र में यह जो फ्रूट्स और वेजिटेबल हैं, जैसे प्याज हो गया, टमाटर हो गए, अनार हो गए, अंगूर हो गए, केले हो गए, आम हो गए, ये इसका प्रोडक्शन बहुत अधिक मात्रा में होता है, जिसमें से हर साल 20-30% जो एग्रीकल्चर कल्चर जो प्रोड्यूस है वो वेस्ट हो जाते हैं। इन वेस्टेज को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की है कि जिससे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को बर्डन ना पड़े और उसको ट्रांसपोर्टेशन की जो लागत है उसकी आधी भरपाई हो जाए। इस उद्देश्य से यह स्कीम लॉन्च है, जिसके अंतर्गत यदि एफपीओ द्वारा जो अपने प्रोड्यूस हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल हैं, उनको 350 से 700 किलोमीटर तक दूसरे राज्य में सप्लाई किया जाता है, तो इसमें 50% तक और जो अधिकतम 20,000 रुपये तक की सब्सिडी रहेगी। इन दोनों में से जो भी कम है वहाँ तक का अमाउंट की सब्सिडी जो है इनको प्राप्त होगी। यदि डिस्टेंस 750 से 1,000 किलोमीटर है तो उस स्थिति में 50% ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट या फिर मैक्सिमम 30,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी, और 1,000 से 1,500 किलोमीटर की दूरी है तो 50% की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या अधिकतम 40,000 रुपये, दोनों में से जो कम है वहां तक की जो सब्सिडी वो मिलेगी। 1,500 से 2,000 किलोमीटर की डिस्टेंस है तो 50% ट्रांसपोर्ट कॉस्ट का या अधिकतम 50,000 रुपये, दोनों में से जो कम है वो अमाउंट सब्सिडी के रूप में मिलेगा, और यदि 2,000 किलोमीटर से ज़्यादा है तो अधिकतम 60,000 रुपये और 50% ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का, दोनों में से जो कम हो उस अमाउंट तक की सब्सिडी जो है प्राप्त होगी। इसके अलावा यदि महाराष्ट्र से सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय या त्रिपुरा में फ्रूट्स और वेजिटेबल सप्लाई किए जाते हैं, उस स्थिति में अधिकतम 75,000 रुपये या 50% ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है इन दोनों में से जो कम होगा वहां तक के अमाउंट की सब्सिडी जो है एक एफपीओ को प्राप्त होगी। इस स्कीम के अंतर्गत एक एफपीओ जो है एक फाइनेंशियल ईयर में अधिकतम 3,000 रुपये तक की सब्सिडी ले सकता है। इसके लिए जो पेमेंट आप ट्रांसपोर्टर को करेंगे वो चेक के द्वारा, आईटीजीएस के द्वारा या ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से होना चाहिए, और इसके लिए कम से कम जो दूरी है वो 350 किलोमीटर से कम से कम 350 किलोमीटर की दूरी होना चाहिए एक राज्य से दूसरे राज्य तक की। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं कि आप दूसरे बॉर्डर के राज्य पे लगे हो और आप वहीं के वहीं पहुंचाते जा रहे हैं, तो उस स्थिति में आपको कोई भी सब्सिडी नहीं मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा आपको जो है प्री अप्रूवल लेना पड़ेगी, उसके लिए फॉर्म भर में वे आपको पूरी ये जो प्री रिक्विजिट एप्लीकेशन है वो फाइल करना होगी, इसमें पूरे जो डॉक्यूमेंट है उनके साथ। ठीक है, इसमें अटेस्टेड कॉपी लगेगी, रजिस्ट्रेशन की फॉर एफपीओ के, सर्टिफिकेट मेंबर की लिस्ट लगेगी। ठीक है, इसमें आपको मतलब एक ट्रक में जो है या एक कंसाइनमेंट में आपको कम से कम अपने 3 फार्मर्स का मटेरियल लेके जाके पहुंचाना है कंबाइन करके, ऐसा नहीं कि आपने एक ही फार्मर का उठा के भरा और ले गए, है ना, 3 फार्मर्स का होना चाहिए। इसके बाद सब्सिडी डिमांड फॉर्म फाइल होगा, फॉर्म 1 फाइल होने के बाद जब आपका आप
सप्लाई कर चुके होंगे तो आप सब्सिडी डिमांड के लिए फॉर्म टू फाइल करेंगे, उसमें एक कॉपी ऑफ जो आपको अप्रूवल लेटर मिला था सप्लाई करने के लिए उसकी कॉपी लगेगी, ओरिजिनल बिल लगेंगे ट्रांसपोर्ट कंपनी के, रिसिप्ट लगेगी ट्रांसपोर्टर कंपनी की बिल टी और LR नंबर के साथ, ओरिजिनल बिल लगेगा जो बायर के द्वारा आपको बायर ने आपको पे किया होगा, जो बिल आप उससे लिए ओरिजिनल भी जो आपने उसको दिया होगा वो लगेगी, है ना। तो ये डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये आपके जो है डिविजनल ऑफिस है महाराष्ट्र के, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी एरिया में आप आएँ वहाँ पे आपको ये सबमिट करना होंगे। तो दोस्तों यदि आप भी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी रन कर रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर तो आप भी इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं और एक फाइनेंशियल ईयर में अधिकतम 3 लाख रुपये तक की सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं, और इस स्कीम के अंतर्गत आप अपने FPO का टर्नओवर भी बढ़ा सकते हैं और अपने फार्मर्स को बेनिफिट भी पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आप दूसरे स्टेट में जहां इन वेजिटेबल और फ्रूट्स की डिमांड है वहां आपको अच्छा रेट मिलेगा, तो आप अपने फार्मर्स के जो प्रोड्यूस है उसका अच्छा रेट उन्हें प्रोवाइड करा पाएंगे। तो दी गई जानकारी उपयोगी हो, महत्वपूर्ण हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बहुत बढ़िया स्कीम है, ऐसी स्कीम हर स्टेट गवर्नमेंट को लाना चाहिए जिससे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी और उसके मेम्बर्स को बेनिफिट हो सके। धन्यवाद दोस्तों।